ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे हम एड फ्लाई से कैसे अर्निंग कर सकते हैं लिंक की शॉर्ट करके। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाओ uvpk.com, उसके बाद आपने मेक मनी पे क्लिक करना है और सबसे नीचे चल जाना। यहाँ पे देखें edf.ly का एक बैनर शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि एड फ्लाई के पेज पे, ठीक है, यहाँ पर वो रिडायरेक्ट करता है आपको। तो यहाँ से आपने जो है इसको, अगर आप है अकाउंट को लॉग इन हो, जो नहीं तो यहाँ से ज्वाइन ना करो। ज्वाइन ना करने के बाद वो अपना आपका जो नाम पूछा, यहाँ पे आप अपना नाम दे दो, कोई भी जो भी आपका नाम है। यहाँ पे यूजर नेम दे दो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मामा दे देता हूँ, चलो ठीक है ये देता हूँ। यहाँ पे अपने ईमेल पूछा और रीटाइप ईमेल, तो मैं इसी ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर रीटाइप वही पेस्ट कर दो। वो करा यहाँ से वन सेलेक्ट होगा, आपने शीटर वाला ही सिलेक्ट करना और आई एग्री कर देना यहाँ से इसको, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे दो। सेम पासवर्ड नीचे भी, और यहाँ पे मस्ट बी बिटवीन 4 एंड 12 करेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने ये रिकैप्चा जो है इसको वेरीफाई करना है, 1.5 है, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना आपने, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं रजिस्टर हो गया कि नहीं। नहीं जी, वो कह रहा है ईमेल सेंड की गई है आपको उस ईमेल एड्रेस पे जिससे हमने रजिस्टर किया, तो उसी पे हम यहाँ पे चले जाते। ये देखिए हमें यहाँ पे ईमेल आ गई है, तो इसको हमने यहाँ से वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे कंफर्म पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे वो कोड पूछा, तो कोड कौन सा, ये कोड आपको ईमेल में ही रिसीव हुआ, ये वाला कोड, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो और कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर दो। यहाँ से क्लिक हेड, यहाँ पे हमें जो है लॉग इन हो जाना है। ईमेल एड्रेस वही है आपका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी नहीं होता, डायरेक्ट कॉपी कर लो, यहाँ पे पासवर्ड दे दो और लॉग इन। लॉग इन करने के बाद जो है आपको वो डैशबोर्ड पे ले आता है, यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ से आप लिंक्स को शॉर्ट करके अर्निंग कर सकते हो। कैसे, जैसे कि सॉन्ग वीडियो सॉफ्टवेयर शेयर करते हो, उसका लिंक यहाँ से उठाओ उसी का, यहाँ से कंट्रोल सी करो और कंट्रोल सी, और ये लिंक जो है उसका शेयर हो गया। यहाँ से इसको अपने कॉपी कर लेना और इसको शेयर करते हैं, फर्ज करें फेसबुक पे शेयर करते हैं यहाँ से। अब फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे भी इसको शेयर कर सकते हैं, या वैसे भी फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल वी करता हूँ उसी, और मैं यहाँ से इसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेरिफिकेशन पूछ रहा है, इसको मैं अनदर वर्ड करूँ, ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर दो 7010 और इसको सबमिट कर दो यहाँ से। ये यहाँ पे लिंक जो है शेयर होगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, जितने लोग क्लिक करेंगे आपको इससे अर्निंग होगी। जैसे कि मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँ,
5 सेकंड का वेट करने के बाद वो कह रहा है स्किप ऐड, तो यहाँ से आपने स्किप कर देना, ठीक है। तो ये जिस हम लिंक को शेयर किया था वही हमारा पास लिंक जो है ओपन हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके, रिफ्रेश करने के बाद भी इसमें अर्निंग शो नहीं की, इसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे अर्निंग शो होने में। तो अब यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है, यू हैव नॉट अपडेट योर अकाउंट डिटेल्स। इसको यहाँ से अपने अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है सारी, जो भी यहाँ पे होंगी आपकी एड्रेस वगैरह वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे देखें एड्रेस, सिटी, कंट्री और यहाँ पे जिप कोड जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना। यहाँ पे कंट्री पर्सनल है या बिजनेस है, यूज़र नेम क्या आपका, ठीक है। और ये यहाँ पे चेक मार्क जो भी स्टॉप यूजर एड ब्लॉकर, अगर किसने एड ब्लॉकर किया तो उसको स्टॉप करें, उसको पहले एड ब्लॉक को जो है डिसेबल करो, ठीक है। वो करने के बाद इसको हम यहाँ पे अपडेट सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये देखें यू हैव बीन सेम एरर फॉर्म फिक्स एंड फॉर कंटिन्यू। यहाँ पे अपना जो है फोन नंबर प्रोवाइड करना, ईमेल वही लिखते हैं हम, कंट्रोल भी। तो यहाँ पे वो ईमेल जो है यूजर नेम, ओके, इसको अपडेट करूँ मैं। अगर यूजर नेम शुड कंटेन लेटर, देयरफॉर तो यूजर नेम हमने लिखा तो हुआ था, आई थिंक रियल नेम अली रजा लिखा, तो यूजर नेम हमारा ये था, हम यही लिखते हैं। अब फर्स्ट प्रेस कॉपी में करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ अकाउंट। अब देखें उसने जो है योर अकाउंट डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। यहाँ से अपने अकाउंट सेट करना किसके लिए, आप जो अपने मनी विड्रॉ करना चाह रहे हैं पेपाल के पे नीर के या पैसा के जिससे भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ से आप वो अपनी डिटेल दे देंगे या अपना अकाउंट दे देंगे, ई मेल आई डी होगी तो वो आपने यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। हम होम पे चले जाते हैं। उसके बाद इसके टूल्स हैं, यहाँ पर मैं टूल्स पे क्लिक करूँगा। अगर टूल्स में कुछ ऑप्शन था कि आप अपनी जो है वेबसाइट से मोबाइल से भी अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पर डोमेन आप ऐड कर सकते हो अपनी जो भी आपकी वेबसाइट की डोमेन होगी, यहाँ पे वो ऐड कर सकते। यहाँ से प्लगइन जो है डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस का, उसको अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है बस, जाके ये आपको जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, तो जाके अपने वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना। तो जैसे जैसे कोई वेबसाइट आपकी विजिट करेगा, जितनी दफ़ा विजिट करेगा वहाँ से भी आपको अर्निंग होती जाएगी। बाकी ये कुछ और जो है इसके टूल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये वेबसाइट स्क्रिप्ट वगैरह डोमेन और पब एड ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रेफरल्स में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, बाकी जो अर्निंग मैंने बताए थे अर्निंग के लिए जो शॉर्ट लिंक वाली वेबसाइट ट्रेनिंग में बताया था कि जितने लोगों को आप रेफर करते हैं कि आप इस लिंक को यूज करते हुए साइन अप करें तो उनकी 20% जो है आपको मिलती है। इस पर जो है 5% कमीशन ऑन एवरी एडवर्टाइज, अच्छा यहाँ पर ये 20 है, आपको 20% जो है मिलती रहती है डेयर एंड पर लाइफ टाइम, यानी कि अगर वो $100 एंड करता है उसको $1 मिलेगा, लेकिन आपको भी 20 मिलेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि आपने उसको अपने रेफरेंस से ज्वाइन किया हुआ।
ये बैनर ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस के उसमें ऐड कर सकते हो, एचटीएमएल के भी जो भी वेबसाइट आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट विड्रॉल है, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपकी विड्रॉल हिस्ट्री शो करता है, जितनी भी आपने अर्निंग विड्रॉ की हुई थी या विड्रॉ करवाना चाहते हो आप यहाँ से इसको जो है करवा सकते हो। अपनी पुरानी हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हो कितनी आपने विड्रॉ करवा ली है। तो इस तरह जो है ऐड बॉक्स सॉरी ऐड विड्रॉ से भी आप लिंक्स को शेयर करके या अपनी वेबसाइट पर इसका प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करके या इसका स्क्रिप्ट ऐड करके भी अर्निंग कर सकते हो।